हरिओम, मैं रेणु कुमारी। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है फूल और काटा। फूल और काटा शीर्षक काव्य के रचनाकार हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। आइए कविता को पढ़ने से पहले हम कवि परिचय जानें। कवि का पूरा नाम है श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती रुक्मणी देवी एवं पिता का नाम श्री पंडित भोला सिंह था। इनकी मृत्यु 16 मार्च 1947 ईस्वी में हुआ था। इनके प्रमुख काव्य कृतियां हैं नाटक में विजयी, रुक्मिणी, परिणय, उपन्यास, प्रेमकांत, प्रेमकांता, ठेठ हिंदी ठाट, अदखिला फूल। इनके काव्य ग्रंथ हैं प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही, वनवास, चौखे चौपदे तथा चुभते चौपदे। इनकी भाषा शैली है ब्रज भाषा, संस्कृत निष्ठ एवं सरल खड़ी तथा भोजपुरी भाषाओं का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में किया है। प्रिय प्रवास इन हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है और इनके इस काव्य रचना पर इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पाठ के कुछ कठिन शब्द जिनका अर्थ जानना जरूरी है ताकि हम कविता को आसानी से समझ सकें। मे का अर्थ है बरसात, वशन का अर्थ होता है वस्त्र, कतर का अर्थ होता है काटकर, बेदना का अर्थ है छेद करना या छेदना, वर का अर्थ है श्रेष्ठ, पर का अर्थ होता है पंख, निज का अर्थ होता है अपना या अपनी, जी का अर्थ जी की कली खिला देना का अर्थ है मन प्रसन्न कर देना, सुरशीष का अर्थ होता है देवताओं का शीश, बड़प्पन का अर्थ है श्रेष्ठ या बड़ा होने का भाव, श्याम तन का अर्थ है काले रंग का शरीर, शोभता का अर्थ होता है सुशोभित होता, कुल का अर्थ है वंश और पशर का अर्थ होता है कमी। आइए हम लोग काव्य वाचन करें एवं उसका भावार्थ समझें। कविता की पंक्तियां है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि ने फूल और काटा के पालन पोषण और उसके परिवेश के बारे में बताते हुए कहते हैं कि दोनों एक ही स्थान में जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता है। रात में चंद्रमा अपनी चांदनी भी दोनों पर एक समान ही डालता है। अगली पंक्ति है मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है वही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बादल अपनी वर्षा की बूंदे उन पर एक समान रूप से बरसाता है, यानी कि फूल और काटे पर वर्षा की बूंदे समान रूप से गिरती हैं, हवाएं भी उन पर एक समान ही बहती हैं, पर दोनों सदैव हमें यह दिखाते हैं कि उनका ढंग एक समान नहीं होता। अगली पंक्ति है छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वशन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है बेध देता श्यामतन। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि काटे का कार्य का वर्णन किया है इन पंक्तियों में कवि ने, और वे कहते हैं कि काटा किसी की उंगलियों में छेद कर देता है, तो किसी के वस्त्र फाड़ देता है, प्यार भी डूबी हुई तितलियों के पंख काट देता है और भवरे के श्यामल तन में छेद कर देता है। अर्थात अगर काटे का हम स्पर्श करें तो उस काटे से हमारे हाथ में छेद हो जाता है, हमारे अगर कपड़े उसमें उलझ जाए तो वो कपड़ों को भी फाड़ देता है,
उसी प्रकार तितलियों के वे पंख को भी काट देता है, भौरे के श्यामल शरीर को वो छेद कर देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली की खिला। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने फूल के कार्य अथवा व्यवहार का वर्णन किया है। तो कहते हैं कि फूल तितलियों को अपनी गोद में लेता है, भंवरे को अपना अनोखा रस पिलाता है, और फूल अपनी सुगंध और अपने निराले रूप रंग से लोगों के मन को प्रसन्न कर देता है। खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है शोभता सुरशीष पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इन काव्य पंक्तियों में कवि ने फूल और कांटे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि कांटा सबकी आंख में खटकता है, अर्थात कांटे को कोई पसंद नहीं करता है, और फूल देवताओं के सिर पर शोभा पाता है। यदि किसी में बड़प्पन की कमी है, बड़प्पन अर्थात श्रेष्ठ या बड़ा होने का भाव, अगर उनमें बड़प्पन की कमी है तो उसके कुल या वंश की प्रसिद्धि उसके काम नहीं आती। अर्थात अगर आपका कुल बहुत ऊंचा कुल, आप बहुत ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं, आपके कुल का बहुत नाम है, लेकिन अगर आपका व्यवहार या आपका कर्म अच्छा नहीं है तो कोई आपका पसंद नहीं करेगा, अर्थात कोई आपके का आपके कुल और आपके वंश की प्रसिद्धि आपके काम नहीं आएगी। इस कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश दे रहे हैं कि कुल या वंश का नाम ही प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए काफी नहीं होता। मनुष्य के कर्म अथवा उसका व्यवहार उसकी प्रसिद्धि और बदनामी का आधार होते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको कविता और उसका भावार्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।